सुप्रभात बच्चों, आशा आप सब स्वस्थ हो। आज हम हिंदी वर्णमाला के आगे के अक्षरों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम इन्हें पढ़ेंगे। त से तरबूज, थ थ से थर्मस, द द से दवात, ध ध से धनुष, न न से नल। त त से तरबूज, थ थ से थर्मस, द द से दवात, ध ध से धनुष, न न से नल। अब हम इन्हें लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है त। आपको पता है आपने इन दो लाइनों के बीच में लिखना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे ऐसे। फिर इसके सेंटर में से आपने लेफ्ट साइड को एक स्लीपिंग लाइन बनानी है और उसको थोड़ा सा कर्व देते हुए नीचे आना है और लाइन को टच करना है और इसके ऊपर ऐसे स्लीपिंग लाइन लगानी है। तो ये क्या बन गया? त। आगे हमने बनाना है थ। फिर से हम यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। फिर इसके लेफ्ट में थोड़ी दूरी पर ऐसे सी बनाना है, उल्टा ऐसे ऑपोजिट कर्व देना है और फिर यहाँ कर्व से हल्का सा स्लाइडली नीचे को यू टर्न देते हुए इधर इसके मिड में लाइन को टच करना है और इस कर्व को ऊपर से ऐसे यहाँ से राउंड दे देना है और यहाँ स्लीपिंग लाइन लगानी है। ये क्या बन गया? थ। ध्यान रखना आपने स्लीपिंग लाइन पूरे ये मात्रा के पूरी मात्रा यहाँ पे नहीं देनी है। आगे है द। ये बहुत इजी है, जैसे आपने ढ ढक्कन लिखा था ये बिल्कुल वैसे ही लिखना है। स्मॉल स्टैंडिंग लाइन लगानी है छोटी सी ऐसे, फिर एक बड़ा सा कर्व बनाना है जो लाइन को टच होगा और इस कर्व को ऐसे पूरा राउंड दे देना है। राउंड दे के यहाँ स्टॉप नहीं होना, थोड़ी सी इसकी ये लाइन को बाहर निकालना है ऐसे। फिर स्लीपिंग लाइन ऊपर लगा देनी है। तो ये क्या बन गया? द। द से दवात। आगे है ध धनुष। फिर से हम यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। फिर इसके लेफ्ट पे थोड़ी जगह छोड़कर हम घ घर, जैसे घ घर बनाया था ना वैसे बनाएंगे ऐसे। घ घर बना लिया। अब उसके बाद यहाँ कर्व से इसको अंदर की तरफ एक छोटा सा टर्न देना है ऐसे, सर्कल सा बना देना और इसकी स्लीपिंग लाइन भी यहाँ पे बनानी है। इसको पूरा बंद नहीं करना ऊपर से। ये क्या बन गया? ध। आगे है न। न से नल। फिर से हमने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, इसके मिड में गए, फिर स्लीपिंग लाइन बनाई लेफ्ट की तरफ और फिर ऐसे कर्व देते हुए इसको छोटा सा सर्कल बना दिया और इसके ऊपर ऐसे स्लीपिंग लाइन लगा दी। ये क्या बन गया? न। ठीक है बच्चों, आपने इसी तरह त थ ध ध और न की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।